नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की परिस्थितियों की और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में उन संभावित परिस्थितियों की, जिन संभावित परिस्थितियों में चिराग पासवान सियासत के अगले मौसम वैज्ञानिक के रूप में क्या इस प्रकार से खुद को एस्टेब्लिश कर लेंगे, क्या खुद को प्रतिष्ठापित कर लेंगे जिस मौसम वैज्ञानिक में चुनाव का चाल चरित्र और चेहरा और जनता की नब्ज को पकड़ पाने की अचूक क्षमता हो। चिराग पासवान के पिताजी दिवंगत रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि सारे चुनावी सर्वे एक तरफ और रामविलास पासवान का चुनावी सर्वे एक तरफ। लालू प्रसाद यादव उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा करते थे। और अब चिराग पासवान के सामने एक ऐसा ऑफर इंडिया गठबंधन से दिया जा रहा है जो वो एनडीए गठबंधन में सपने में भी नहीं सोच सकते। 10 लोकसभा सीटों का ऑफर, 8 लोकसभा सीटें बिहार में और 2 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के इलाके में। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान के आने से, क्या चिराग पासवान का साथ छोड़ने से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साझा गठबंधन यानी एनडीए को कोई बड़ा चुनावी नुकसान होगा? और क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को कितना बड़ा फायदा चिराग पासवान से हो सकता है? चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि उनके पास बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में जो तकरीबन 5-6% के आसपास जो पासवान समाज का वोटर है, दलित समाज का एक मुखर हिस्सा माना जाने वाला पासवान वोटर, वो पासवान वोटर अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को मोटे तौर पर रामविलास पासवान और उनके राजनीतिक वारिस चिराग पासवान की भूमिका को देखकर तय करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन चिराग पासवान यदि इंडिया गठबंधन पे आए तो किस प्रकार से उनका वेलकम किया जाएगा और इस वेलकम को राजनीति में किस प्रकार से देखा जाएगा, आगामी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से देखा जाएगा, और क्या नीतीश कुमार के लिए सुखद स्थिति होगी या दुखद स्थिति होगी कि चिराग पासवान, उन चिराग पासवान जिनके बूते नीतीश कुमार की पार्टी आज विधानसभा में तीसरे नंबर पर जा पहुंची, वो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रहे या एनडीए गठबंधन का दामन छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाए, दोनों ही परिस्थितियों में किसका कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में बदलेगा और किसका मिस कैलकुलेशन कैलकुलेशन में बदल जाएगा, इन सारी परिस्थितियों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है चिराग पासवान। और लोजपा की राजनीति से लेकर पूरे हिंदी भाषी भारत की राजनीति को बेहद सूक्ष्मता के साथ, बेहद माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ समझने वाले ऋषि मिश्रा जी। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग पासवान, उनके बारे में खबर आ रही है कि वो एनडीए गठबंधन में सहज नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी ऐसे हालात पैदा कर रही है कि या तो वो एनडीए खुद छोड़कर चले जाएं या एनडीए छोड़ने पर उन्हें विवश कर दिया जाए। 2 या 3 सीटों का ऑफर उन्हें दिया जा रहा है और बाकी बची हुई 2 या 3 सीटें उनके चाचा की पार्टी यानी रामविलास पासवान की विरासत के दूसरे दावेदार पशुपति कुमार पारस को सौंपने की बात हो रही है। वहीं एक तरफ 2-3 तो दूसरी तरफ 10 लोकसभा सीटें। क्या लगता है आपको, 8 बिहार में 2 उत्तर प्रदेश में, ये ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से बताया जाता है कि चिराग पासवान के सामने पड़ा हुआ है, तो इस इतने बड़े ऑफर को लेकर के, मतलब इंडिया गठबंधन में जो उन्हें मिल रहा है उससे 3 गुना या 4 गुना बड़ा ऑफर, जो एनडीए में उन्हें मिल रहा है उससे 3 गुना या 4 गुना बड़ा ऑफर उन्हें जो मिल रहा है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो अभिषेक जी क्लियर है कि जैसे ही नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री होती है, सबसे अधिक कोई असहज हुए होंगे वो चिराग पासवान हुए होंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री हुई, नीतीश कुमार से जब बातचीत हुई होगी अमित शाह या जो बीजेपी की तरफ से जिन्होंने बात की होगी, तो नीतीश कुमार ने भी यह शर्त रख दिया होगा कि चिराग पासवान को इस गठबंधन में उतनी अहमियत नहीं देनी है। और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध कैसे रहे हैं, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल 2020 के विधानसभा चुनाव, किस प्रकार से चिराग मॉडल ने नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना के छोड़ दी, उसमें किन लोगों का हाथ था, आज नीतीश कुमार जिनके साथ हैं उनका भी इनडायरेक्ट रूप से हाथ था, चिराग पासवान का भी हाथ था, तो ये बात तो नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। और दोनों का जो संबंध है उससे मुझे लगता है कि एनडीए में दोनों एक दूसरे के प्रति असहज है।
जहां तक आज की जो खबर है, लेटेस्ट खबर है, बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस के तरफ से, इंडिया गठबंधन को जो लीड कर रही है पार्टी, कांग्रेस के तरफ से इनको ऑफर दिया गया है कि यदि चिराग पासवान एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनको 8 लोकसभा की सीटें बिहार से और 2 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन देगी। देखिए, इसके 2 मायने हैं। एक मायने ये भी है, मायने बिल्कुल ये हैं कि चिराग पासवान के साथ 5.5% जो पासवान समाज है, आज भी ऑन एवरेज 90% के आसपास समाज चिराग पासवान के साथ उतनी ही मजबूती से है जितनी मजबूती से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ हुआ करते थे। पशुपति पारस जो है सिंबॉलिक राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके साथ समाज के 5% 10% भी वोट नहीं है। ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने एक तीर से 2 शिकार किया है। एक तो यदि चिराग पासवान इधर आ गए तो जो नीतीश कुमार के जाने से जो गैप बना है उसकी कम से कम भरपाई की जाएगी। यदि नहीं आ पाए तो एनडीए में एक झगड़ा लगाने का भी काम कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने किया है कि यदि किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ा दिया जाए, इतनी उसकी रेट बढ़ा दिया जाए कि इधर नहीं आए तो उधर कम से कम जो रेट हमने लगाया है, हमने जो दाव लगाया है उससे थोड़ा के आसपास तो और आदमी रहे। तो अब आज के दिन के बाद चिराग पासवान, जब एनडीए की बैठक होगी संभवतः 10 मार्च को होने जा रही है एनडीए की बैठक, आज शायद होनी वाली थी और कैंसिल हो गई है, 10 मार्च को होगी एनडीए की बैठक, जिसमें बिहार में बीजेपी और उनके सहयोगी दल कौन कितने सीटों पर लड़ेगी उसकी चर्चा होगी। तो 10 तारीख के जब ये टेबल टॉक होगा भाजपा रणनीतिकारों से चिराग पासवान की, तो ये उस समय ये जरूर रखेंगे कि देखिए दूसरी तरफ से हमें 10 सीटों का ऑफर मिल रहा है, अब आप बताइए हमें क्या देंगे। और चिराग पासवान का स्टैंड अभी भी क्लियर है कि 2019 में जो सीटें आप हमें दिए थे, कम से कम वो सीटें प्लस एक राज्यसभा, उससे में भी आपने देखा होगा 6 सीटें लोकसभा का, एक राज्यसभा का, जो बाद में रामविलास पासवान गए थे राज्यसभा, बीच में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके स्थान पर किसी और को भी भेजा गया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इंडिया गठबंधन ने एक जो दाव चला है उससे कहीं ना कहीं जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होगा एक घमासान जरूर बनी रहेगी। और मेरा मानना है कि यदि चिराग पासवान जिधर भी जाएंगे वो एड ऑन जरूर करेंगे, और चिराग पासवान एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इससे इसमें ऐतराज किसी को मतलब ये असहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन यही देखना होगा कि एनडीए के साथ चिराग पासवान रहते हैं तो समाज, उनके समाज का वोट कितना क्लब होता है, महागठबंधन के साथ जाते हैं कितना क्लब कर पाते हैं। सवाल ये है ऋषि, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जिस दिन इस गठबंधन में आए, इंडिया गठबंधन से स्विच करके एनडीए गठबंधन की तरफ आए, उसी दिन ये करीब करीब तय हो गया कि चिराग पासवान के लिए रास्ते बहुत आसान नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो दर्द नीतीश कुमार को दिया है, जो राजनीतिक दर्द दिया है, आज तक नीतीश कुमार करा रहे हैं। और इस बात का क्रेडिट कहे या इस बात का दोष आप चिराग पासवान को दे, ये बात तो पूरी तरह से सही है कि चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश कुमार को 3 साल में 3 बार शपथ लेनी पड़ी है, अभी पता नहीं और कितनी बार शपथ लेनी पड़ेगी, यानी किसी भी गठबंधन में वो सहज होकर सरकार नहीं चला पा रहे, 3रे नंबर की पार्टी बने हुए हैं, 50 से भी कम विधायक उनके हैं। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान के लोगों से यदि बात कीजिए तो वो साफ कहते हैं कि इस गठबंधन में एक दूसरा एश्योरेंस भी चिराग पासवान चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में जिताने हराने के लिए जिस प्रकार की मशीनरी के कथित दुरुपयोग की खबरें आती है, नीतीश कुमार पूरी मशीनरी ने झोंक दी चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में रहने के बावजूद चुनाव हराने के लिए, ये आशंका भी एलजेपी के लोग जता रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी किसी को माफ करते नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान के पास जो एक बड़ा ही लुक्रेटिव ऑफर है, बड़ा ही फायदेमंद ऑफर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी दे रही है, उस ऑफर के साथ जाना और इस एनडीए गठबंधन में साथ रहना, कौन सा आज की तारीख में आपको बेनिफिशियल दिखता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से? 32% वोट तो सिर्फ एमवाई का वोट है बिहार में,
उसमें 5-5.5% चिराग पासवान के वोट होते हैं जी। देखिए एक बात तो बिल्कुल सही है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के जन आशीर्वाद यात्रा में जन सलाब उमड़ा, और देखिए तेजस्वी यादव का जो राजनीति करने का जो स्टाइल है या उनका जो वोटिंग पैटर्न है, उनका जो समर्थक समूह है वो पिछड़ी जाति का है, मतलब ओबीसी में देखिए यादव प्लस एमवाई प्लस यानी पिछड़ी को भी जो जोड़ दीजिए जो थोड़ा बहुत उनको मिलता होगा एमवाई के अलावा, यदि उसमें चिराग पासवान जुड़ जाते हैं तो नो डाउट जो 30-32% का चंक है उसमें यदि एवरेज 6% मान ले तो 38% का जो चंक बनेगा तो उसको काउंटर करने में कहीं ना कहीं एनडीए को यानी नीतीश और बीजेपी को परेशानी होगी, और सिर्फ उसमें आप 38% में माले का भी कुछ वोट जोड़ दीजिए कि माले का लेफ्ट का हर वर्ग में वोट है, ऐसा नहीं है कि माले का सिर्फ गरीब तबका में भी है। आप आधी आप चले जाइएगा आप सुनील पांडे वाले एरिया में भोजपुर वाले बेल्ट में तो वहाँ अग्री जातियों का भी समर्थन उनको मिलता है माले उम्मीदवार को, तो माले का वोट है। कांग्रेस का परंपरागत वोट है, बहुत से अभी भी ऐसे समर्थक हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में वोट कांग्रेस को जाता है, तो यदि चिराग पासवान की इधर एंट्री होती है और मुकेश सहनी या उपेंद्र कुशवाहा भी इधर आ जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को एक तरह से मैसेज मिल गया है एनडीए की तरफ से कि आपको एक सीट से अधिक देने की कैपेसिटी में बीजेपी नहीं है, आपको स्पष्ट मिल गया है, और माझी जी को भी मिल गया है कि आपको एक राज्यसभा और एक एमएलसी की सीट दे देंगे, संभवतः यह है कि गया की भी सीट उनको एनडीए अब नहीं दे, ये खबर आ रही है। और अमित शाह की रणनीति ये है कि चिराग पासवान को यदि 4-5 सीट दे के मनाया जाए, 6 सीट देने की कैपेसिटी में बीजेपी भी नहीं है, यदि 4+1 राज्यसभा दे के यदि मनाया जाए तो चिराग पासवान को होल्ड पे रखा जाएगा, उनको इस पाले में ही रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये बात बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि उनके जो 5.5% वोट है वो ट्रांसफरेबल है और चिराग पासवान के आने के साथ वो बीजेपी यानी एनडीए के साथ स्टेबल रहेगी। और बीजेपी भी जानती है कि तमाम बड़े चैनल ये नैरेटिव बनाए कि 300 पार 370 पार 400 पार बीजेपी में बेचैनी है, और देखिए दुर्भाग्य है कि विपक्ष के तमाम जो दल हैं वो नैरेटिव कम से कम बनाने में, देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि साउथ में बीजेपी साफ है, कर्नाटका में आज येडियुरप्पा का बयान आया है कि अभी कर्नाटका में सीटों को लेकर कुछ तय नहीं हुआ है, येडियुरप्पा को तलब किया गया है, येडियुरप्पा से बातचीत चल रही है, तो कर्नाटका जैसे इंपोर्टेंट स्टेट में अभी तक बीजेपी ने एबीसी भी नहीं की है सीट शेयरिंग को लेकर, तो आप समझ सकते हैं स्थिति इतनी कमजोर है। केरला में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, आप देखिए तमाम भाई जो बात आप कह रहे हैं, इसी भाई जो बात आप कह रहे हैं, हम बिहार पर ही आते हैं और चिराग पासवान पर आते हैं, फिर पूर्वांचल पर भी आएंगे। 38% वोट आपने मोटे तौर पर कहा कि चूंकि एमवाई और चिराग पासवान के वोट, और भारत के चुनाव के मौजूदा दौर में खास करके जब मशीनी लोकतंत्र जब हावी है, इस दौर में कहा जाता है कि जिसके पास यदि 38% का बेस वोट है, यदि चिराग पासवान इंडिया के साथ आए तो 38% वोट में यही देखा जाता है कि 38% वोट के पास यदि सत्ता है तो सीटें उसकी होती है, और सत्ता नहीं है तो अपेक्षाकृत अच्छी सफलता नहीं मिलती। उदाहरण के लिए लालू यादव और रामविलास पासवान 2004 का चुनाव साथ लड़े, तब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी यानी सत्ता थी, 29 लोकसभा सीटें बिहार में यूपीए गठबंधन को मिली, और जब नीतीश कुमार सत्ता में आ गए और 2009 का चुनाव हुआ, पूरी मशीनरी नीतीश कुमार की थी, उस दौर में भी लालू यादव और रामविलास पासवान साथ चुनाव लड़े, रामविलास पासवान की पार्टी का खाता नहीं खुला और लालू यादव की पार्टी 4 सीटों पर जीती, चुनाव जीत पाई, यहां तक कि 2 सीटों से चुनाव लड़े लालू यादव भी, 1 सीट पाटलिपुत्र में हार गए थे। तो ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक बड़ा वोट बैंक तो बनेगा अपेक्षाकृत अभी की तुलना में, इंडिया गठबंधन को एक बेहतर रिजल्ट भी देगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बेहतर रिजल्ट वो ज्यादा बेहतर है चिराग पासवान के साथ कि 2 सीट लड़कर वो या 3 सीट लड़कर 3 जीते या 2 लड़कर 2 जीते और पता चले कि 10 सीट पर लड़े यूपी बिहार मिलाकर और 10 सीट में भी 2 या 3 ही जीते, वो परिस्थिति चिराग पासवान के लिए ज्यादा बेहतर है? देखिए इस बात से मैं सहमत हूँ, कई लोगों से इस विषय को लेकर चर्चा होती रहती है
कि रिजर्व सीटों पे एनडीए के अपेक्षा यदि आप इधर से लड़ते हैं तो रिजर्व सीटों पे चिराग पासवान जैसे शख्सियत को सीट निकालना मुश्किल हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल आपने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया, जब यूपीएस मतलब 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे और उस समय जब रामविलास पासवान हाजीपुर से लड़े चुनाव हार गए, नहीं 2014 नहीं जब कब हारे थे आप म्यूट हैं आप 2009 में हारे थे, 2009 में रामविलास पासवान हार गए थे। तो ये 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 एक एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो चिराग पासवान के नजर में जरूर होगा जब वो गठबंधन को लेकर निर्णय लेंगे कि इधर रहें या उधर जाएं। तो इस बात का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिजर्व सीटों को लेकर एक नैरेटिव जरूर है कि यदि वो एनडीए के तुलना में इंडिया गठबंधन में आते हैं तो जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन मैं साउथ का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा था कि बीजेपी भी इस बार जो 272 का जो सपना बीजेपी देख रही है वो बीजेपी भी अंदर से कहीं ना कहीं एक तरह से अंदर से उनको लग रहा है कि 272 इस बार पार करना अपने बल पे बीजेपी के लिए मुश्किल है। इसलिए चिराग पासवान हो गए, नवीन पटनायक से बातचीत चल रही है इनकी, चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली आ रहे हैं, तो तमाम ऐसे लोगों को ये जोड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी के यदि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट होती कि हम 400 पार 370 पार 300 पार का भी बीजेपी यदि कॉन्फिडेंट होती तो क्या नवीन पटनायक की जरूरत पड़ती उनको, क्या चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ती, क्या चिराग पासवान के तमाम शर्तों को बीजेपी मानती। और मेरा ये मानना है, एक सेकेंड, इसलिए मेरा ये मानना है, मैंने इसलिए एग्जाम्पल भूमिका इसलिए आपको दिया हूँ कि बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना ये मेनस्ट्रीम मीडिया बताती है। इसलिए किसी भी शर्तों पे चिराग पासवान को बीजेपी अपने साथ रखना चाहेगी। और मेरा मानना है कि 4 या 5 सीटों पे चिराग पासवान मान जाएंगे, 4+1 या 5+1 पे चिराग पासवान मान जाएंगे। और यदि एनडीए गठबंधन से कोई बाहर होगा तो वो जो उपेंद्र कुशवाहा होगा जो 3 सीटों की मांग उन्होंने रखा है। तो ये स्थिति है ऋषि भाई, जो परिस्थिति दिखाई दे रही है उसमें एक बात मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ने आज एक बात कही है। राहुल गांधी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा में बड़ी गारंटी दी है, मोदी की गारंटी की बात तो आप सुनते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मनरेगा जैसी गारंटी, और उस गारंटी के बारे में मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि 1,00,000 रुपए 18 से 25 साल के सभी युवाओं को कांग्रेस पार्टी देगी। अब 1,00,000 रुपए की बात सुनकर जैसे ही हमारे ऑफिस में जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं और उसमें कुछ कट्टर बीजेपी समर्थक भी माने जाते हैं, हमारे कलीग हैं, वो कहने लगे कि नहीं भाई हम कांग्रेस को वोट देंगे, 1,00,000 रुपए तो मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस 1,00,000 रुपए की गारंटी के बीच में क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को ये 1,00,000 रुपए वाले नौजवानों का मोह ज्यादा है या राम मंदिर में अयोध्या जाने वाले नौजवानों का मोह ज्यादा है? एक नौजवान तो यहां तक कहते हुए पाए गए हैं कि चलो 1,00,000 रुपए राहुल गांधी देंगे, वोट तो राहुल गांधी को दे देंगे, उसके बाद उसी में से 10,000 रुपए खर्च करके अयोध्या घुमाएंगे। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है राहुल गांधी के बाद इस गारंटी के बाद चिराग पासवान के सामने कौन सी परिस्थिति अब खड़ी हो गई है? देखिए सबसे सबसे बड़ी परेशानी चिराग पासवान के लिए है कि उनके पार्टी को स्टेबल रखना है, पार्टी को संगठित रखना है। यदि 2-3 सीटों वाली ऑफर है यदि एनडीए का वो मान लेते हैं तो उनके पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो कई वर्षों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे? और विषम परिस्थिति में हो सकता है वो पार्टी छोड़ भी दे। तो चिराग पासवान को सिर्फ ये फैसला नहीं करना है कि एनडीए में रहना है कि एनडीए में रहना है, इंडिया में रहना है कि एनडीए में रहना है, उनको अपनी पार्टी को भी मजबूत बनाए रखना है। इसलिए यदि कम सीटों का ऑफर, यदि 2-3 सीटों का ऑफर जैसा आप कह रहे हैं, यदि बीजेपी की तरफ से 2-3 सीटों से अधिक सीटों का ऑफर नहीं दिया जाता है तो मुझे लगता है चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे जहां 10 सीटों का ऑफर है। क्योंकि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को चुनाव भी तो लड़ाना है। पार्टी यदि चिराग पासवान की पार्टी नहीं रहेगी तो फिर हनुमान या जो भी अपने आप को बनना चाह रहे हैं वो कहां रह पाएंगे? यदि वो झोपड़ी नहीं रहेगा तो फिर झोपड़ी में रहेगा कौन? अरे झोपड़ी को ही उजाड़ दिया जाएगा, झोपड़ी में रहेगा कौन? इस बात को समझने की जरूरत है। जहां तक आपने 1,00,000 की बात की, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कांग्रेस का।
लेकिन कांग्रेस की ये दुर्दशा रही है कि कांग्रेस का एक से एक मास्टर स्ट्रोक जो उनके शीर्ष लीडरशिप लेके आते हैं उनको ग्राउंड तक उनके कार्यकर्ता पहुंचा नहीं पाते। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा था और हमें लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं पूरे गेम को बदल देगा, लेकिन जब नतीजे आए और मैं न्यूज 18 इंडिया पे उस दिन था जिस दिन ये रिजल्ट राजस्थान की आ रही थी, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पिछड़ गई। आप समझ जाइए, वर्ल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा दिल्ली में कितना बड़ा रैली हुआ था, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मुद्दा आप उसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। ये एक लाख की बात करें, यदि आप 25 ऑन एवरेज आप पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का ये निकाले कि 25 वर्षों की तक जो युवा कितने हैं, 18 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो आप ये देखिए ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो नए वोटर होंगे या जो 25 साल से कम या 25 साल के जो युवा होंगे, बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसको जोर शोर से आपको लोगों तक लेके जाना होगा। पिछले बार भी ऋषि जी हम लोग 5-7-8 साल ऊपर आ गए, नहीं तो हम लोगों को भी 1-1 लाख रुपया मिलता। अच्छा उम्र घटा लेंगे ऐसा होगा तो ना हम घटा सकते, ना आप घटा सकते और ना ही बड़े भाई चिराग पासवान घटा सकते हैं। सवाल आज की तारीख में दूसरा है। सवाल यह है कि चिराग पासवान पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में पूर्वांचल में भी कहा जाता है कि पासवान वोटर भले ही रामविलास पासवान की पार्टी एग्जिस्ट वहां नहीं करती हो या कमजोर स्थिति में हो, लेकिन पासवानों के बीच सबसे बड़े नेता वहां भी रामविलास पासवान ही माने जाते रहे, तो वहां पर 2 सीटें देने से उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या लगता है अखिलेश यादव को कुछ फायदा हो सकता है इससे? अभिषेक जी आप तो जानते होंगे रामविलास पासवान शायद उत्तर प्रदेश से भी एक बार सांसद रहे हैं। चुनाव लड़े थे, हार गए थे। रामविलास पासवान और मायावती के बीच मुकाबला हुआ था, बिजनौर लोकसभा सीट थी शायद, बिजनौर या हरिद्वार कहीं मुकाबला हुआ था और उस सीट पर मीरा कुमार जीती थी और रामविलास पासवान और मायावती दोनों हार गए थे 85 का बाई इलेक्शन। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि चिराग पासवान की एंट्री होती है और चिराग पासवान का अपने समाज में प्रभाव है और रामविलास का जो एक डेवलपमेंट का एक इमेज रहा है और खासकर अपने समाज में जिस प्रकार से सिर्फ बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे जगह में उनका इंपैक्ट रहा। आप देखे होंगे रामविलास पासवान जिस भी गठबंधन में रहे हो वो बिहार के बाहर भी प्रचार करने जाते थे, तो प्रभाव उनका रहा है। और यदि इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान आते हैं तो इसका प्रभाव मुझे लगता है कि खासकर पूर्वांचल में जहां पासवान समाज की पॉपुलेशन ठीक ठाक है वहां प्रभाव पड़ेगा। भाई एक घटना में बताऊं, हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे एलकेजी यूकेजी में पहली बार रामविलास पासवान का नाम सुना था, उस दौर में आपको याद होगा कि ताड़ी पर टैक्स लगता था बिहार में, ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी निकाली जाती है, और लालू यादव मुख्यमंत्री थे उन्होंने ताड़ी फ्री कर दिया था। तो ताड़ी फ्री किया था तो खास करके जो सामाजिक तबका लालू यादव के नाम से चिढ़ता है उस सामाजिक तबके के बीच में एक व्यंग के रूप में एक टुकबंदी चलती थी कि वीपी लालू रामविलास 1 रुपया में 4 गिलास, ताड़ी फ्री किया था इसलिए। तब हम लोगों ने सोचा कि भाई कोई रामविलास पासवान भी कोई नेता है कुछ है, लेकिन रामविलास पासवान को तुकबंदी तक मत देखिए। रामविलास पासवान दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, दलित सेना बनाई, मंडल कमीशन में दलितों को कुछ नहीं मिल रहा था, रत्ती भर भी नहीं मिल रहा था, दलितों को आरक्षण तो पहले से था, लेकिन उसकी लड़ाई में रामविलास पासवान आगे आगे रहे और रामविलास पासवान सवर्णों के बीच भी बहुत लोकप्रिय रहे। याद रखिए मंडल कमीशन की लड़ाई कोई लालू यादव और मुलायम सिंह यादव नहीं लड़ी थी, वो वीपी सिंह के साथ उस समय शरद यादव और रामविलास पासवान खड़े थे, वही समाज कल्याण मंत्री थे। और आज की तारीख में जब चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक उनको ऑफर मिल रहा है और इंडिया गठबंधन में बांध के रखने की एनडीए गठबंधन में उनको बांध के रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है और जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं कि जितना जल्दी भाग जाए चिराग पासवान उस तरफ वही बेहतर है, तो इन सारी परिस्थितियों में चिराग पासवान की राजनीतिक दशा और दिशा एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लगती है? देखिए एक बात बता दूं, जेडीयू में भी सब कुछ ठीक नहीं है। आज गोपाल मंडल का बयान आ गया है, लालू हमारे मसीहा है, और जो लालू ने नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था बाल कटवाने और ये
उनके माता जी के दाह संस्कार के बाद जो जो प्रक्रिया होती है उसको नहीं अपनाने को लेकर लालू यादव ने प्रहार किया है। लालू यादव के बयान का गोपाल मंडल ने सपोर्ट किया है, तो सब कुछ सामान्य जेडीयू बीजेपी में नहीं है। और एक बात जान जाइए, चिराग पासवान के पिता यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान का सिर्फ पासवान समाज पे नहीं अन्य समाज पर भी इम्पैक्ट था। और जब हम आप दिल्ली में पढ़ रहे थे तो कभी न कभी हम आप गए होंगे उनके यहाँ बारा जनपद में रेलवे टिकट कन्फर्म करवाने। और रामविलास पासवान का एक ऐसा इमेज था और उनकी कार्य प्रणाली ऐसी थी कि यदि रामविलास पासवान के यहाँ कोई चला जाए किसी काम के लिए तो खाली हाथ किसी को वो भेजते नहीं थे। और हमारा तो कम से कम रामविलास जी के यहाँ कई बार जाना हुआ है, कई बार हम लोगों को वो भोजन पे आमंत्रित करते थे पत्रकारों को। और उनका जो एक जो पत्रकारों के प्रति या आम लोगों के प्रति जो बिहेवियर था वो उसका इम्पैक्ट हर समाज में है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ हालांकि चिराग पासवान के कई ऐसे डिसीजन हुए हैं जो उनके पोलिटिकल इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं डिक्रीज किया है, ये उनको समझना होगा। जैसे उनकी पार्टी टूट जाती है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आपके पार्टी में यदि 5 सांसद आपके विरुद्ध में चले जाते हैं आपको छोड़कर, तो आपके पार्टी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है आपकी जानकारी नहीं है, आप पार्टी को बचा नहीं सकते थे। और जितने भी लोग टूटे हैं यदि चाचा और चचेरे भाई को छोड़कर, बाकी तो हम लॉयलिस्ट रहे हैं रामविलास पासवान के प्रति, चाहे सूरज भान हो चाहे वो बीना देवी हो, ये तमाम ऐसे नेता हो। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी समाज और समाज से बाहर खासकर युवा वर्ग में चिराग पासवान का प्रभाव है। और जिस गठबंधन में वो जाएंगे उधर कहीं ना कहीं वो एसेट का ही काम करेंगे। सवाल ये उठता है, आप एसेट की बात कर रहे हैं, एक और एसेट की बात करते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति के 3 एसेट ने एक गुप्त मीटिंग की थी, उसकी फुटेज भी बाहर आ गई थी। चिराग पासवान के घर पर वो मीटिंग हुई थी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जीतन राम मांझी भी वहां मौजूद थे। तो इन दोनों की स्थिति भी, जीतन राम मांझी तो खैर मान गए हैं, कहा जा रहा है कि एक लोकसभा सीट मिल जाएगी, बेटे उनके नॉमिनेशन करेंगे विधान परिषद में, विधान परिषद भी जाएंगे और लोकसभा का टिकट भी पाएंगे, वो सारी परिस्थितियों पर चर्चा हो रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुद के लिए भी टिकट चाहिए, माधव आनंद के लिए भी चाहिए, और एक तो IRS अधिकारी उनके भरोसे में कहा जा रहा है कि VRS लेकर सुपौल में घूम रहे थे, जो सुपौल की सीट सिटिंग सीट है JDU की, वहां पे उनको मिलना नहीं है। और खुद वो अपनी सीट भी तय नहीं कर पा रहे कि काराकाट जाए, उजियारपुर जाए, वाल्मीकि नगर जाए, कुछ ठिकाना नहीं दिख रहा। उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी के उभार के बाद कितने बड़े फैक्टर अब रह गए हैं बिहार की राजनीति में, और कितने बड़े फैक्टर मानकर उनको NDA गठबंधन या इंडिया गठबंधन में उनकी संभावित एंट्री को लेकर विचार होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए आपको मैं स्पष्ट बता दूं, 17 सीटों पे BJP, 16 सीटों पे JDU, 1 सीट यदि उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं तो 1 सीट काराकाट का उपेंद्र कुशवाहा को, 1 सीट जीतन राम मांझी को, बाकी 5 सीटें रामविलास पासवान और चूंकि जो मतलब चिराग पासवान है उनके चाचा को मिला के दिया जाएगा। यदि चाचा राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बाकी 5 सीट चिराग पासवान लड़ेंगे। और हाजीपुर पे भी करीब करीब ये डेवलपमेंट हो चुकी है, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये क्लियर हो गई है। यदि ये फॉर्मूला नहीं मानते हैं तो BJP ने मन बना लिया है कि चिराग पासवान को मनाना है, बाकी जो नहीं मानेंगे वो बाहर जा सकते हैं। जीतन राम मांझी गवर्नमेंट के लिए जरूरी है तो उनके साथ मनोबल का खेल हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को स्पष्ट कर दिया गया है आपको 1 सीट दिया जाएगा, लड़ना रहना है तो रहिए, नहीं तो जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि उनके रहते हुए कोई बड़ा कुशवाहा नेता अलग एक पार्टी बना के NDA में रहे, ये स्पष्ट कर दिया गया है, ये बिल्कुल क्लियर है। और आपको 10 मार्च के बाद पूरा यही जो मैंने जो संख्या बताया है उसमें एक तो ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, यही इक्वेशन रहने वाली है। जी बहुत बड़ी बात आपने साझा की कि 2 टूक कहने की स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया गया है। शायद मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, उन्हें भी 2 टूक वाली स्थिति ही कह दी गई है कि रहना है तो रहिए, राज्यसभा विधान परिषद एडजस्ट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उनके बारे में चर्चा मैंने सुनी है कि वो कटिहार लोकसभा सीट और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में उनकी बातचीत भी चल रही है। खैर, मूल मुद्दा चिराग पासवान का है। चिराग पासवान के बारे में जो अंतिम सूचना है वो यही है कि फिलहाल वो माप तौल की मुद्रा में है। एक तरफ
इस बात की गारंटी जरूर है कि तेजस्वी यादव किसी भी तरह से उनके साथ गठबंधन धन को ईमानदारी से निभाने में पीछे नहीं हटेंगे, इस बात की गारंटी उनके पास है। दूसरी तरफ यदि वो एनडीए गठबंधन में रह जाते हैं तो क्या उनके राजनीतिक चाचा और अपने चाचा यानी नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस ये दोनों उन्हें लोकसभा पहुंचने देंगे, इसको लेकर भी सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में याद रखिए न तो बिहार का प्रशासन है, न तो बिहार का गृह मंत्रालय है, न ही बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कोई डिसाइसिव रोल है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम लोकसभा चुनाव तक अपने आप को रणनीतिक तौर पर ही कहे तो चुप रहने की मुद्रा में ही वो अपनी भलाई समझती है, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं। और आज की तारीख में जिसके पास प्रशासन है, जिसके पास परिस्थितियां हैं और जिसके पास दिमाग में एक गांठ पड़ी हुई है कि अमुक व्यक्ति ने ही राजनीतिक तौर पर दुर्दशा करने और कराने का काम किया है, तो उस व्यक्ति को बख्शना नहीं है। जब जॉर्ज फर्नांडिस नहीं बख्शे गए, शरद यादव नहीं बख्शे गए, तो भला चिराग पासवान को क्यों बख्शा जाएगा, ये बात भी चिराग पासवान जानते हैं। और इस बात को देखते हुए, मोदी की गारंटी को देखते हुए, राहुल गांधी के लाख रुपए हर नौजवान को देने वाली वादे को देखते हुए और इन सब के बीच तेजस्वी यादव की गठबंधन धर्म को निभाने में विश्वसनीयता को देखते हुए इन्हीं परिस्थितियों के बीच तेजस्वी यादव को चुनाव करना है। और वो चुनाव करने की तारीख 10 मार्च होती है या 10 मार्च के आगे तक वो मामला जाता है। ये जो भी मामला होगा और जैसे भी जो भी खबर आएगी उस पर एक बार फिर हम ऋषि मिश्रा जी के साथ बैठेंगे और ताजा हालात की जानकारी लेंगे। फिलहाल एक रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट मेरा है कि मेरे चैनल को ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जी। ऋषि मिश्रा का चैनल तो इस देश में जब ऋषि मिश्रा संबित पात्रा को नहीं बख्शते हैं तो हमारे दर्शक ऋषि मिश्रा को भला कैसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। और इसी नोट पर चिराग पासवान और उनकी संभावित राजनीतिक भूमिका, उपेंद्र कुशवाहा उनकी संभावित राजनीतिक भूमिका, इस पर जो भी अंतिम अद्यतन रिपोर्ट होगी वो हम आपके सामने रखने के लिए सबसे पहले आएंगे। इसी वादे के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। ऋषि मिश्रा जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण इनपुट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।